फ्रिज तो नहीं है, मटका भी लेंगे और स्किन के मटकों को फोड़ के इनके साथ में कुछ ना कुछ जब तक ऐसा काम नहीं करेंगे, इनका जवाब पत्थर से नहीं देंगे। और ये समाज जब जिस दिन ये जवाब सीख लेगा कि हम सब एक हैं, नहीं हिंसा का बढ़ावा नहीं दे रहे, सटे साठ्यम समाज चले जो हिंदुओं के इतिहास में भी लिखा है, उनके ग्रंथों में भी लिखा है, जब तक इसके साथ दुष्कर्म नहीं करोगे, जब तक दूसरा अपनी कमियों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए जरूरी है या तो प्यार से मान जाए नहीं तो एक महिला इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है और उनके हाथ में एक तख्ती है जिसमें लगाया गया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मिशन जय भीम, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैडम, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक काशीराम साहब ने बात कही थी, आपको नहीं लगता कि वोट भी तुम्हारा जा रहा है और राज भी तुम्हारा नहीं है? चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे अन्य कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, तुम लोग वोट भी दे रहे हो, राज भी नहीं है। हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि हमारा राज तो नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी इतना अत्याचार किया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई भी सरकार हमारी सुन भी नहीं रही है। जालौर में टीचर बना हैवान मार मार कर ले ली जान, ये जो बच्चे की हत्या हुई है, मतलब इसमें आपकी क्या मांगे हैं? और सर ये चाह रही, मेरी मांग ये है कि हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार जो नहीं होना चाहिए वो होता है। एक दलित के नाम से लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, कभी बच्चों को, कभी औरत को, कभी किसी को बहुत ना उससे मारा जाता है, मट पानी पी लिया। दूर दूर से लोग पहुंचे हमारे साथ, वसुंधरा से चल करके ओमबीर जी आए हैं और बुद्ध वाटिका के प्रेसिडेंट हैं, बहुत लंबा उनका समाज का काम करना। ओमबीर जी, जो बच्चे की हत्या हुई है उसमें सरकार कह रही है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत की जो सरकार है वगैरह हमने अरेस्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनुवादी मानसिकता वो दिखाई दे रही है कि अगर उसको 5 लाख रुपये मुआवजा और वहीं कन्हैया को 50 लाख रुपये का मुआवजा, कैसे देखते हो? हम अगर ये मुआवजे की बात करते हैं तो ये बताएं कि कितने बच्चे इस तरह से मारे जाएं, हम कितना मुआवजा दें? सरकार अगर मुआवजे की बात करती है, अगर बच्चे को मार करके ही मुआवजा दिया जाता है तो ये कोई समाधान नहीं है। फिर तो हम भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, आप अपने बच्चे को लाएं और हम उसके साथ यही हाल करते हैं, फिर मुआवजा घोषित करें वो अपने, हम इतना मुआवजा चाहते हैं अपने बेटे के लिए, तो ये समाज के लिए समाधान नहीं है। क्या समाधान है? समाधान ये है कि इस पर सरकार सरकार एक ठोस कदम उठाए, और ठोस कदम ही नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ऐसे करते जघन्य अपराध के लिए सीधा फांसी की सजा हो, सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। साहब आप कह रहे हैं ओमबीर जी के सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, अगर सीधा फांसी की सजा होगी तो फिर आप लोग ये कहोगे कि जी कानून किस लिए बनाए, संविधान किस लिए है, ट्रायल चलना चाहिए, पता चलना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। देखिए श्रीमान जी, काम तो संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जो है कहते हैं ना फास्ट ट्रैक के आधार पर जो है ये केस लड़े जाने चाहिए। ये जहाँ जहाँ भी दलितों पे इस प्रकार के अत्याचार होते हैं वहाँ पे इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। आपने कहा था मुआवजे की बात करते हैं, अगर कोई दूसरे समाज का बात होता है तो उसको 50 लाख दिए जाते हैं, जब अपने समाज का कोई बंधु होता है तो उसको 5 लाख रुपये दे के उसको ठरका दिया जाता है, यानी कि दलित की मौत मौत नहीं है, दलित की जान की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो उस सर्वण हिंदू की कीमत है जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करता है, उसकी कीमत कुछ नहीं है। आप देखते होंगे आए दिन जो बलात्कार हो जाते हैं दलितों के ऊपर हो जाते हैं, या उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रिया इस देश में, यानी कि देश को 75 साल होने के बावजूद भी हो रही है, यह बड़ी शर्मनाक है। जब तक इस देश की इस कानून व्यवस्था, इस देश के नेताओं की नीयत साफ नहीं होगी, देश में कानून व्यवस्था यानी कि संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं होगा। राहुल और प्रियंका जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, जैसे हाथरस पहुंच गए, लेकिन यहां पर नहीं पहुंच रहे क्योंकि उनकी सरकार है। देखिए जनाब, ये मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा दलित कांग्रेस ही है। हाँ ये तो है, जब आज तक 75 साल में 70 साल तक अगर राज किया है तो कांग्रेस ने राज किया है, हमारे लिए तो अगर बीजेपी सांपनाथ है तो दूसरी कांग्रेस भी नागनाथ का काम करती है।
अरे भावना आहत हो जाएगी। हमारी बलबूते पे जी इन्होंने 70 साल देश में राज किया है, अगर हमने परिवर्तन कहा जब इस देश में परिवर्तन होगा, परिवर्तन इस देश में असली ना ये परिवर्तन नहीं है, ये भाई गिने चुने जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है इस देश में। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसा है, लेकिन हाँ मटके से पीना जो पाएगा बराबरी का अधिकार जाएगा, पढ़ा लिखा होना है, लेकिन वहाँ भी स्कूलों से लेके जहाँ भी आप नौकरी करते हो वहाँ सब जगह जातिवादी अत्याचार होता है। कहीं कलम का घर में फ्रिज लगा लो भाइयों, नहीं फ्रिज तो नहीं है, मटका भी लेंगे और स्किन के मटकों को फोड़ के इनके साथ में कुछ ना कुछ, जब तक ऐसा काम नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, और ये समाज जब जिस दिन ये जर्मन सीख लेगा कि हम सब एक हैं। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो? नहीं नहीं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे, सटे साट्यम समाचरित जो हिंदुओं के इतिहास में भी लिखा है, उनके ग्रंथों में भी लिखा है, जब तक दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करोगे, जब तक दुष्ट अपनी कमियों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए जरूरी है या तो प्यार से मान जाए, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से तो देना जरूरी हो जाता है। ये हमारा विचार है, या तो संविधान सम्मत ये समतामूलक समाज बनाने में अपना योगदान करे, लेकिन क्या मरता क्या नहीं करता, जब हमें मारोगे तो जब हम मरेंगे तो क्या हम मारने की हिम्मत नहीं रखते हैं? मरने के बाद किसे मारोगे? नहीं नहीं मरने, अरे ऐसे नहीं होता है, जब हम मर जाएंगे तो हमारी औलाद है, हमारे और भाई बंधु हैं, वे तो हमारी मौत का बदला ले लेंगे, ऐसे नहीं है। ये देश में क्रांति का जन्म होगा, रिवॉल्यूशन होगा। पुलिस वालों ने